चल स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम ना कहाँ छोड़ा था बेसिकली, ये देखो क्या क्या हमने कर लिया था, एक बार देख लें क्या फटाफट से। चलो देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट कराया था, कहाँ से कराया था, हाँ यहाँ से ओसा जोन वाले से कराया था, है ना। तो ओसा जोन वाला तुम्हारे बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पढ़ के मत जाना, ठीक है, सिर्फ रीड कर जाना, आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। ओके, उसके अलावा ओसा जोन फॉर्मेशन कर ली थी मैंने, कहा था सारे मोनोसेक्राइड्स और जो तुम्हारे डाइसेक्राइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, फिनाइल हाइड्राजिन के साथ रिएक्ट करके ओसाजोन देंगे, राइट। तो ये ध्यान रखना कि कितने मोल आपने यूज किए थे ओसाजोन का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। ओके, और मैंने आपको डीएनएल के बारे में बताया था, बेसिकली जो तुम्हारी ग्लिसरल्डिहाइड थी वो रेफरेंस यूनिट थी, जिसकी हेल्प से तुम ये बता पाते हो कि तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है। डीएनएल मैंने कहा था सेकेंड लास्ट कायर कार्बन को देखना है आपको। गुड इवनिंग बेटा। सेकेंड लास्ट कायर कार्बन एटम पे अगर OH राइट हैंड साइड पे है तो आप उसको बोलोगे डी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो आप उसको बोलोगे एल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि डी एंड एल ग्लूकोज जो है आपस में क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको इनेंशियोमर्स भी बोला जाता है। हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? मैम, ये वाला चैप्टर अपने मतलब ये सब कॉन्सेप्ट बता दिए थे मैम जब अपने एक्स्ट्रा क्लास ली थी तब। बच्चे वो उसमें बताया था ना, एक्चुअली वो ग्रुप 4 और 5 को बताया था ना, एक्चुअली उनकी थी एक्स्ट्रा क्लास, है ना। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं कि तुम में से नहीं थे एक्स्ट्रा क्लास में, तो मुझे करवाना पड़ा। तो वैसे मैंने लास्ट टाइम करवा दिया था, मैं जस्ट एक बार क्विक रिवीजन करवा रही हूँ कि मैंने क्या करवाया था लास्ट टाइम, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं अनिकेत बच्चे मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया। गुड इवनिंग महक। एक्चुअली ना मैं वही रिवाइज करा रही हूँ जो लास्ट टाइम कराया था ना, एक बार फटाफट से फिर हम स्टार्ट करेंगे आज जो हमें पढ़ना है, ठीक है, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे आज, ठीक है। और डी और एल मैंने बता दिया था कि जो कैपिटल डी है और कैपिटल एल है वो कॉन्फिग्रेशन बताता है कार्बोहाइड्रेट्स की, उसको आप स्मॉल डी और स्मॉल एल से मिक्सअप नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चा बताओ, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी, जबकि कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ मुझे। गुड इवनिंग तनु। हाँ बताओ, कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या रिप्रेजेंट करता है? मैम डी कॉन्फिग्रेशन, मतलब वो एक बार राइट हाँ, आंसर कि है। आपका कार्बोहाइड्रेट डी कॉन्फिग्रेशन का है या एल कॉन्फिग्रेशन का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज जो थी, जो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, है ना। तो इससे हमें ये पता चला, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज का एग्जिस्ट करता है, जिसकी दो फॉर्म है, अल्फा और बीटा, है ना। और मैंने कहा था कि अल्फा तो बहुत कम परसेंटेज में, बहुत ही कम परसेंटेज होती है, less than 0.5%, और जबकि अल्फा आपको मिलता है 36% और बीटा मिलता है 64%। तो इससे आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो बीटा फॉर्म होती है बच्चे वो ज्यादा स्टेबल होती है, बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बच्चा अल्फा फॉर्म, ठीक है, अल्फा फॉर्म। साक्षी बच्चे अगर तुम कनेक्ट कर पा रही हो मेरे से तो वेल एंड गुड है, वरना आप क्या करोगे, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी तो सुन लो, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से भी जाए क्योंकि आपने पहले वाले लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं। तो आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना, जैसे आप मुझसे परसों मिलोगे वेंसडे को, है ना, तो आप ना वीडियो रिकॉर्डिंग देख के आना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या किया है क्लास में, ठीक है। चल, बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल देन अल्फा फॉर्म। देखो ये मैंने ऐसे नहीं बोल दिया है कि बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, इसके पीछे भी कंसेप्ट है। एक्चुअल में ना तुम वो भी नहीं पढ़ते हो, मतलब बेसिकली तुम जो तुम्हारा आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, जिसमें कन्फर्मेशन, डाइस्टीरियोमर, इनेंशियोमर, पूरा एक अलग से चैप्टर है ऑर्गेनिक का, उसमें तुम थोड़ा सा पढ़ते हो साइक्लोहेक्सेन के बारे में। इस तरह से होती है बच्चे, इसको आप चेयर फॉर्म भी बोलते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसके बारे में, तो देखो एक बार इधर, ये देखो ये आप पढ़ते हो ना, साइक्लोहेक्सेन है, ये सबने देखा हुआ है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसी को ही हम यस कैसे मैम, बनाते हैं, चेयर फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि चेयर फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये चेयर फॉर्म होती है, इसकी बहुत सारी फॉर्म होती है, बोट फॉर्म भी होती है, ट्विस्ट बोट भी होती है, इक्लिप्स फॉर्म भी होती है, ये चेयर फॉर्म है। और बेसिकली ये जो बॉन्ड है ना, देखो इधर एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, तो 2 तो बॉन्ड बने हुए हैं, ये कार्बन है। अगर मैं आपको अलग पेन से दिखाऊं बच्चा, ये कार्बन है, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर इस तरह से होते हैं 2 बोर्ड, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और जो ये ऊपर वाला बोर्ड है, ये वाला
ये वाला इनको बोलते हैं एक्सियल बोन। क्या बोलते हैं? एक्सियल बोन। ये वही एक्सियल है जो तुम उसमें पढ़ते थे, ये पीसीएल 5 में पढ़ते थे ना, ये एक्सियल है और ये इक्विटोरियल है, वही एक्सियल इक्विटोरियल मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। ठीक है, इसको ध्यान रख, मतलब पेपर में नहीं आएगा, मैं जस्ट तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, ऐसे ये क्या होता है, इक्विटोरियल, ये एक्सियल। ठीक है, अगर मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, ये इक्विटोरियल, इक्विटोरियल एक्सियल, इक्विटोरियल है ना, इक्विटोरियल एक्सियल। ठीक है, तो बेसिकली बीटा फॉर्म जब आप बनाते हो, जो मैंने आपको ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर सिखाया था ना, उसमें मैंने आपको अल्फा और बीटा फॉर्म बताया था कि अगर CH2OH और OH दोनों सेम साइड पे हैं तो क्या होगा, बीटा फॉर्म होगी, और अगर CH2OH एंड OH अगर ट्रांस पोजिशन पे होगा तो अल्फा बोलोगे, ये याद करने का तरीका बताया था। लेकिन अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल भी होती है, तो बच्चे वो स्टेबल स्टेबिलिटी ना आप सिर्फ चेयर फॉर्म से बता सकते हो, क्योंकि जो इक्विटोरियल पोजिशन होती है ना, अगर इक्विटोरियल पोजिशन पे जो ग्रुप आ जाता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे हम इसमें नहीं बोलते, आप इससे कनेक्ट करो, जैसे अगर आपने PCl5 का सभी ने स्ट्रक्चर पढ़ा तो हम कहते हैं इक्विटोरियल पे ना ये सिर्फ दो एक्सियल बॉन्ड से रिपल्शन फेस करता है, जबकि दो एक्सियल पे जो है तीन इक्विटोरियल बॉन्ड से रिपल्शन फेस करता है। क्या ये कंसेप्ट तुम सबने पढ़ा हुआ है कहीं पे? क्या ये कंसेप्ट तुमने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था? तो बताओ मुझे, पढ़ा था तो नो मैम, मैंने तो नहीं पढ़ा था मैम। नहीं पढ़ा? चलो देखो, इधर देखो, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि पूरा तो फिर बहुत वो हो जाएगा ना। देखो इधर देखो, आपको ये बोला जाता है। हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? देखो, जैसे ये दोनों आपके एक्सियल बोन्स होते हैं, ठीक है, एक्सियल जो ऐसे 180 डिग्री पे होते हैं, और ये आपके तीन इक्विटोरियल बोन्ड होते हैं, तो बोला ये जाता है कि इक्विटोरियल बोन्ड्स ना ज्यादा स्टेबल होते हैं एक्सियल बोन्ड से। क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे जो तीन इक्विटोरियल बोन्ड है ना, सिर्फ ये एक्सियल, दो एक्सियल बोन्ड से रिपल्शन फेस करते हैं, जबकि दो एक्सियल बोन्ड तीन इक्विटोरियल से रिपल्शन फेस करते हैं, तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल हुआ, इक्विटोरियल वाला? पहले ये बताओ, ये थोड़ा बहुत समझ में आया? यस मैम, तो सेम यस बिल्कुल मैम, यहाँ पे भी फंडा ये है। चेयर फॉर्म में क्या होता है, हम ट्राई करते हैं जो आपके बड़े ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप का मतलब समझते हो, बल्की ग्रुप। अभी समझोगे, ये सारी ऑर्गेनिक में सीखोगे बातें। बल्की ग्रुप को ना हम ट्राई करते हैं बच्चे कि हम इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सियल पे लगा देते हैं ना, देखो ना इधर इधर देखो बच्चे, समझने की ट्राई करो, अब तुम 12th में हो गए, ये चीजें आनी चाहिए। देखो, अगर मैं कोई ग्रुप यहाँ पे लगा दूं तो देखो ना, रिपल्शन फेस करेगा इससे भी, इससे भी, देख पा रहे हो इधर, जबकि यस इक्विटोरियल नहीं करेगा। जबकि इक्विटोरियल अगर पोजीशन पे आप लगाते हो कोई ग्रुप, तो वो नहीं करेगा। तो ये माना जाता है कि अगर इक्विटोरियल पे है कोई ग्रुप तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब बच्चे बीटा फॉर्म हम बनाते हैं ना, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा OH जो है इक्विटोरियल पोजीशन पे आते हैं, इस वजह से बोला जाता है बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। आपको ये नहीं जाना, इसके बिल्कुल अंदर तक नहीं जाना कि चेयर फॉर्म बनती है OH जो है, OH ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पे होता है, इसको आपको नहीं ध्यान रखना है। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ये कहाँ से आया, ठीक है। बाकी सिर्फ आपको याद सिर्फ ये वाली चीज रखनी है कि बीटा फॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है अल्फा फॉर्म से। क्लियर है बच्चा? ये कहाँ से आया, चेयर ये कहाँ से आया, मैंने आपको बता दिया, चेयर फॉर्म से आया। अगर देखेंगे, अगर जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कहीं पे ये वाला कंसेप्ट अगर आता है साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म वाला, तो डेफिनेटली आई विल टेल यू। ठीक है, डेफिनेटली आई विल टेल यू, तो उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है ना, तो मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया कि आया कहाँ से ये। ठीक है, याद रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चा, चलो इसके बाद देखो, हमने फिर ये देखा था कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है ना, ट्रिक वगैरह देखी थी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटा, हमने ओपन चेन में देखा था कि चार कायरल कार्बन एटम है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि साइक्लिक फॉर्म में कितने कायरल कार्बन एटम होंगे? आप कोई भी बता दो, अल्फा का बता दो, बीटा का बता दो। आप एक काम करो, इसका बता दो, बीटा डी ग्लूकोज जो मैंने बना रखा है बच्चे, उसमें कायरल कार्बन कितने होंगे? यानी कि इट इज सेइंग मैम 5, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ जी आप लोग बताओ कितने होंगे कायरल कार्बन? पता है ना कायरल कार्बन क्या होता है, अगर एक कार्बन पे चार डिफरेंट ग्रुप लगे हो उसको बोलते हो ना फाइव कायरल, ही होंगे। यस 5 होंगे। ठीक है, एग्री करते होगे सारे? बताओ एक बार मुझे। मैम, चलो एक यस लाइन मैम, देते हैं, फाइव होंगे। एक ये वाला होगा, देखो मैं रेड से दिखा रही हूँ, एरो देखो कहाँ जा रहा है मेरा कर्सर, देखो ये एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तीन चार
और ये पांच, इसको मत बोल देना यहाँ पे सी एस टू ओ एच है, दो एच है, मतलब बेसिकली दो सेम ग्रुप है, ठीक है। तो यानी कि क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ, इधर देखो एक बार, कि जब आपने ओपन चेन में देखा था, या आप बोल दो फिशर फॉर्म में, इधर देखो जो ये वाली फॉर्म होती है बच्चे, ये होती है आपकी फिशर फॉर्म, जो ये मैंने बना रखी है इसको बोलते हैं बच्चे फिशर फॉर्म, समझ रहे हो। फिशर फॉर्म में हमने कितने देखे थे कायरल कार्बन, फोर देखे थे, है ना, ग्लूकोज के। और अगर मैं साइक्लिक फॉर्म की बात करूं तो कितने देखे हमने, फाइव देखे हैं। किसमें, किसकी बात कर रही हूं मैं, ग्लूकोज की बात कर रही हूं। अच्छा, सेम आप इसके लिए भी बता सकते हो, किसके लिए, फ्रक्टोज के लिए। तो फ्रक्टोज में कायरल सेंटर कितने, अगर मैं बात करूं फिशर फॉर्म की, तो वन टू थ्री, तीन ही है, देख लो कोई और है क्या, तो मुझे बता सकते हो, तीन के अलावा है क्या जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है। तीन ही है मैम। तीन है, ओके। तो अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो कितने होंगे, देखो वन टू थ्री फोर, बेसिकली साइक्लिक में एक बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि फिशर फॉर्म में तो कितने थे बच्चे, तीन थे, है ना, फ्रक्टोज की बात करो, और साइक्लिक में कितने हो गए हैं, फोर हो गए। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, अगर मान लो एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, अगर मैं आपको बोलूं कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बता दो, स्टीरियो आइसोमर याद है, जब मैंने आपको उसमें बताया था, कोऑर्डिनेशन में बताया था, स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, कौन से दो टाइप के पढ़ते थे आप बच्चे स्टीरियो आइसोमर, बताना एक बारी, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। अरे स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहाँ से पढ़ गए, पढ़ने लग गए बच्चे तुम स्टीरियो आइसोमर में। मैम ज्योमेट्रिकल। हाँ, स्ट्रक्चरल और दो बेटा दो होते थे आइसोमर में, हम स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में तो हम वो पढ़ते थे ओपन चेन वगैरह, अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो पोजिशनल आइसोमर, चेन आइसोमरिज्म, जबकि स्टीरियो आइसोमर में हम क्या पढ़ते थे, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो ध्यान रखो, टू की पावर एन, टू की पावर एन, और ये एन क्या है बच्चे, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो अगर फिशर फॉर्म में आपसे पूछते हैं ग्लूकोज में स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, तो आपको पता है ग्लूकोज में फिशर फॉर्म में चार थे आपके कायरल कार्बन, तो आपको कुछ नहीं करना, टू की पावर फोर लिखनी है, ठीक है। अगर आपसे साइक्लिक में पूछे तो फाइव, तो टू की पावर फाइव करनी है। कर लोगे जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो। यस मैम। उसके बाद हमने डाइसैकेराइड में देखा था कि सुक्रोज के इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी, और एक म्यूटा रोटेशन भी बताया था, उसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने सुक्रोज बताया था, सुक्रोज का स्ट्रक्चर, ये देखो ये स्ट्रक्चर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आपको ग्लूकोज और बच्चे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने आता है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो आप दो तीन बार एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ग्लूकोज की बनाने की और फ्रक्टोज की बनाने की, बस हो जाएगा। सुक्रोज वाले में तो कुछ नहीं करना, जो आपके डाइसैकेराइड्स हैं आपको कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है कौन से कार्बन जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व होगा, पानी निकालना है और ओ लगा देना, बस खत्म कहानी। और इस लिंकेज को आपको पता ही है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। और अच्छा, मान लो सपोज आपसे ये पूछा जाए कि सुक्रोज में कायरल सेंटर बता दो, तो क्या बोलोगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए, एग्जामिनर ये पूछ ले कि सुक्रोज में कायरल सेंटर बता दो, जिसको आप स्टीरियो सेंटर भी बोलते हो, ठीक है, कायरल सेंटर को बच्चे आप स्टीरियो सेंटर भी बोलते हो, तो कंफ्यूज मत होना अगर दो नाम, ठीक है, अगर दूसरे नाम से आ जाए तो समझ जाना स्टीरियो सेंटर ही कायरल सेंटर है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ध्यान से देखकर कि सुक्रोज में टोटल कितने कायरल सेंटर हैं, बताओ बेटा। हाँ जी, 13 स्टूडेंट्स हैं, हिमा, सलिया, सौरव, तान्या, मैम पांच इसके और चार इसके। पांच किसके बेटा, ग्लूकोज और चार फ्रुक्टोज। अच्छा, ये कायरल है, श्योर? नो नो मैम, नहीं है कायरल, फाइव ही होंगे ना। चलो देखते हैं, पहले ये कायरल है टू वाला, ठीक है, थ्री वाला भी कायरल है, फोर वाला भी और फाइव वाला भी, वन वाला कायरल है या नहीं मुझे ये जानना है या नहीं, वन वाला, ये वाला मैम है, है पक्का, क्योंकि देखो ना एक ये ग्रुप ओ वाला, एक एच, दो, समझ रहे हो ना, और एक ये वाला और एक ये, तो चार अलग अलग ही तो हैं, तो पांच ही होंगे। यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी सेम फंडा है, एक दो तीन चार। तो सुक्रोज में अगर मैं बात करूं कितने टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर हैं बच्चे,
नाइन है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे टोटल, तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 9। ठीक है, ये आपका जेई में आया है क्वेश्चन, 2021 में आया हुआ है कि सुक्रोज में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने थे, और ये आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप था। तो आपको पहले, अगर स्ट्रक्चर ऑप्शनल नहीं था, एमसीक्यू टाइप नहीं था, तो आप तुक्का भी नहीं मार सकते थे इसमें, तो आपको पहले स्ट्रक्चर आना ही। ग्लूकोज का फर्स्ट वाला काउंट होगा? हाँ, क्यों नहीं हो? देखो स्तुति, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ना? नहीं, आपको ये देखना है स्तुति कि इस वाले कार्बन पे चार अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक तो एच लगा हुआ है स्तुति, ठीक है, एक क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन वाला, ये देखो एक कौन सा, ये वाला नीचे वाला, देख रहे हो मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है? Yes, ma'am. ये वाला पूरा, समझ गए, जो चार अलग ग्रुप है। Okay, ma'am. ठीक है, चार डिफरेंट होना चाहिए, ये नहीं हमेशा कि वो छोटे छोटे ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, तो आपको देखना है ध्यान से कि चार अलग लगे हुए हैं, अगर दो भी सेम है तो वो आप उसको कायरल कार्बन कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा जेई का 2021 का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने अब करा दिया। तो देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बट हाँ तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए था। अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता होता, या वहां पे कहीं गड़बड़ कर देते, तो फिर जाता। और देखो पता है जेई में ना एक अच्छी बात ये भी है, तुम्हें केमिस्ट्री में आई थिंक 10 questions मिलते हैं इंटीजर टाइप, अगर तुमने एनालाइज किया हो जेई का पेपर। मैं अभी नीट की बात नहीं करूं, मैं जेई की बात करूं, तो 10 questions तुम्हें मिलते हैं उसके इंटीजर टाइप के, जिसमें से तुम्हें 5 करने होते हैं, 5 की चॉइस होती है। और बिलीव मी, 10 में से अगर कोई एवरेज भी पढ़ के गया है ना केमिस्ट्री को, तो 10 में से 5 कर लेगा। अगर वो सिर्फ 12th भी करके गया, सपोज आपने 11th को हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी आप, लेकिन हाँ कंडीशन ये है कि 12th पूरी होनी चाहिए। फिर 12th, अगर आपने 11th को हाथ नहीं लगाया, कंडीशन ये है कि 12th पूरी होनी चाहिए, तो बच्चा 10 में से 5 कर लेगा। इजी क्वेश्चन है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, आप एक काम करेंगे, अभी तो चलो आपके एग्जाम है, बाद में जब फ्री हो जाओगे ना, तो देखना पिछले 3-4 साल के जेई के पेपर उठा के देखना, उसमें से 10 में से आपको 3-4 तो बहुत मुश्किल लगेंगे, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें 10 में से सिर्फ 5 करने हैं। और वो 5 अगर आपने एवरेज पढ़ाई भी करके गए हो ना, तो आप उसको कर लोगे। अगर सपोज कोई बच्चा कुछ 11th के चैप्टर्स कर रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट 12th के चैप्टर्स कर रहा है, तो डेफिनेटली वो वाले क्वेश्चंस कर सकता है अटेम्प्ट। ठीक है, तो वो 5 नंबर जो बेसिकली जितने भी मार्क्स का होता है, वो आई थिंक 4 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, तो 20 नंबर उसके कहीं नहीं जाते हैं स्टूडेंट के। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। हाँ मतलब कर लो, फिर ये होना चाहिए अनिकेत कि 12th में तुम फिर कोई चैप्टर ना छोड़ो, है ना, 12th में तुम्हें सारे चैप्टर करने हैं फिर सारे, या तो तुम 60-60% दोनों का करके जाओ 11-12th का, या पूरा 100-12th का करो और एक दो चैप्टर। देखो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को, चाहे मैं ये सजेस्ट करती हूँ, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 12th का करें सिलेबस कवर, साथ ही साथ जो आपके 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो हमेशा मैं बोलती हूँ, एक मोल कंसेप्ट है और आपका केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, और एक आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, और एक हाइड्रोकार्बन, जहां से क्वेश्चन आने होते हैं। अगर आप बिल्कुल भी 11th नहीं आती है, सिर्फ ये चैप्टर कर जाओ, थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ में आती तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं समझ में आता तो छोड़ दो, लेकिन ये वाले चैप्टर तो जरूर कवर करके जाना, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो। ठीक है, चलो आगे चले। क्या क्या बोल रहे हो बेटा? ना, केमिस्ट्री में तो ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, मैं बात करूं बच्चे एनएटी टाइप, जो तुम्हारा न्यूमेरिकल आंसर टाइप आता है ना, मतलब जिसमें आपको बेसिकली आंसर लिखना होता है, ऑप्शन नहीं होते हैं उसमें, वो आपके टोटल 10 questions आते हैं, आउट ऑफ 10 यू विल हैव टू अटेम्प्ट 5 questions ओनली, है ना? कंपल्सरी होते हैं वो, और नेगेटिव तो होता ही होता है, और एनएटी में 10 आते हैं, आपको 10 में से 5 अटेम्प्ट करना होता है, और वो इजीली कर लेता है बच्चा अगर एवरेज भी पढ़ाई करके गया तो। ठीक है, चल मैम, पहले तो इंटीजर वाले में ही नेगेटिव नहीं था ना? हाँ जी, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो मैम? पहले नहीं, वो इंटीजर वाले में नेगेटिव मार्क्स नहीं था ना? नहीं, पहले नहीं था, अब कर दिया उन्होंने, अभी कर दिया है उन्होंने, बट
चेंज भी हो सकता है क्योंकि पहले नहीं होता था इंटीजर में, बट अब कर दिया उन्होंने। चलो ठीक है, माल्टोज का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। तो हाँ, और आप ये भी ध्यान रखना कि आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। और लैक्टोज का भी आप बना लोगे, लैक्टोज और ग्लूकोज। और ध्यान रखना, ग्लूकोज और लैक्टोज आपस में क्या है बच्चे, C4 एपिमर है ना। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज कैसे हैं आपस में, बताओ बताओ। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज आपस में C4 के वो एपिमर है, ये तो C4 एपिमर है। गैलेक्टोज C4 एपिमर। हां जी बच्चे बोलो, श्वेता क्या कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ कि जो अल्फा ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है वो आपस में क्या है, एनोमर्स हैं। और मैंने कहा था एनोमेरिक कार्बन को आप फर्स्ट वाले कार्बन पे ही देखोगे। हम ये कह रही थी, अच्छा, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर C1 एनोमर्स, या सिंपल बोलो एनोमर्स है, ठीक है। ग्लूकोज और मेनोज क्या थे बच्चे, C2 एपिमर थे, याद है ना। सेकेंड पोजिशन पे, अगर फर्स्ट कार्बन के अलावा किसी और पोजिशन पे जो है आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो आप उसको एपिमर बोलेंगे। अगर फर्स्ट वाले कार्बन पे, सिर्फ फर्स्ट वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी सारा एज इट इज सेम है, तो आप उसको एनोमर बोलेंगे, ठीक है। चलो, हाँ ये मैंने आई थिंक बता दिया था। उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स में हमने देख लिया था अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन के बीच में, भाई डिफरेंस याद रखना, आते हैं क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया था, एनोमर्स जो होते हैं डाइस्टीरोमर्स होते हैं, मिरर इमेजेस नहीं होते हैं एक दूसरे की। अब आ जाओ यहाँ पे कैसे याद करोगे आप सारे मोनोसेक्राइड्स। देखो फिर बोल रही हूँ, ये आपके बोर्ड्स में नहीं आएंगे। मैं आपको जस्ट आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि चाहे आप CUET दो, चाहे अपना JEE नीट दो, वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये तो पता होना कि मोनोसेक्राइड्स का जो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो उसी स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए मैं ट्रिक बताऊंगी यहाँ पे। लेकिन पहले देख लो कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स तुम्हें पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, जब भी बात आती है ना बच्चे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को याद करने की, तो आपको क्या करना है, उसकी रेफरेंस यूनिट को पकड़ना है। और ग्लूको कार्बोहाइड्रेट्स की रेफरेंस यूनिट कौन सी होती है बच्चे, ग्लिसरेल्डिहाइड होती है ना, बताया था ना। ऐसी अमाइनो एसिड्स की होती है रेफरेंस यूनिट सीरीन होती है, उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले ये देखो, ग्लिसरेल्डिहाइड होता है, और इसका तो आपको स्ट्रक्चर पता ही होना चाहिए। ग्लिसरेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि CHO ग्रुप होता है, HOH होता है, CH2OH है, अगर हम D वाले ग्लिसरेल्डिहाइड की बात करते हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैंने, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स डी कॉन्फ़िगरेशन के लिखे हैं। क्या आपने इस चीज को नोटिस किया? देखो यहाँ पे भी मैंने रेफरेंस यूनिट डी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, क्यों लिया है, क्योंकि नेचुरली बच्चे जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डी कॉन्फ़िगरेशन में ही मिलते हैं, ठीक है। ऐसी अगर मैं अमाइनो एसिड्स की बात करूं तो नेचुरली अकरिंग जो अमाइनो एसिड्स हैं एज एल कॉन्फ़िगरेशन, कार्बोहाइड्रेट आपके डी कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, ठीक है। चलो करें आगे। तो देखो बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है ये 3 कार्बन, और इसको हम एल्डोट्राइओज भी बोलते हैं। बोल सकती हूँ मैं एल्डोट्राइओज? पहले तो ये बता दो, क्या मैं इसको एल्डोट्राइओज? अच्छा, हम क्या करेंगे, अभी हमारे 6 कार्बन तक हमें पढ़ना है, उससे आगे नहीं जाना। तो हम क्या करेंगे, 3 से 4 बनाएंगे, 4 से 5, 5 से 6, इतना काम है हमारा। तो अब बच्चे देखो, ये ग्लिसरेल्डिहाइड है, ये इसके 2 बनने वाले हैं बेसिकली। 3 से 4 बनाना है, और 4 में 2 एग्जिस्ट करते हैं, रिथ्रियोज और थ्रियोज। नाम डन कर लो, रिथ्रियोज और थ्रियोज। अब कहोगे मैम आप ये बताओ स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो बच्चे स्ट्रक्चर बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। देखो जैसे ये बना हुआ है ना ग्लिसरेल्डिहाइड का, बिल्कुल एज इट इज डिट्टो का डिट्टो बना दो, देख रहे हो, ऐसे ऐसे बना दो, यही है। 3 कार्बन है ग्लिसरेल्डिहाइड में, आपको 4 बनाना, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 कार्बन और ऐड कर देना है। अच्छा, अब आपको ये डिसाइड करना है HOH की पोजीशन। तो ध्यान रखना, इधर देखो मेरी तरफ, अगर मैं सेंटर में खड़ी हूं तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, तो अगर मैं लेफ्ट साइड देख रही हूं तो HOH ऐसे आएगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड हूं तो HOH आएगा, और अगर मैं राइट हैंड साइड खड़ी हूं बच्चे तो क्या आएगा, OHH आएगा। बाकी सारा एज इट इज रखो, क्या आ जाएगा, पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, OHH, समझे। फिर बोल रही हूँ, लेफ्ट साइड देख रहे हो तो HOH, राइट हैंड साइड OHH, समझे। बन गए ये 2 स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलते हैं, रिथ्रियोज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, थ्रियोज बोलते हैं। तो ये क्या है, 4 कार्बन। आप इसको क्या बोल सकते हो, एल्डो टेट्रोज भी बोल सकते हो, क्या मैं बोल सकती हूँ, बोलो
बच्चा आगे चलो, चलो आगे चलते हैं, आगे वैसे मैंने बना रखा है, आपको मैं ट्रिक भी बताती हूँ, चलूंगी टेंशन ना लो। देखो इधर देखो, एक से दो बनते हैं, अब इससे भी दो बनेंगे रिथ्रोज से, इससे थ्रीओज से भी दो बनेंगे, तो टोटल कितने बनेंगे हमारे पास जल्दी बोलो, चार 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 बने हुए हैं। तो रिथ्रोज से बच्चे दो बनते हैं, राइबोज और अरेबिनोज, राइबोज और अरेबिनोज। मैं इसके लर्न करने की ट्रिक बताऊंगी, टेंशन मत लेना। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे रिथ्रोज का स्ट्रक्चर था ना, ये बिल्कुल एज इट इज का एज इट इज बनाओ, इसके ऊपर एक और कार्बन बना दो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा, देखो इधर ये वाला मेरा दिख रहा है सबको, ठीक है। अब रिथ्रोज लेफ्ट हैंड साइड पे है राइबोज, तो मतलब मुझे क्या लगाना है, एच ओ एच। राइट हैंड साइड पे जाऊंगी तो बच्चे मैं क्या लगाऊंगी, ओ एच ओ एच। पहले बताओ ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया राइबोज और अरेबिनोज का, बताओ, बोलो बोलो। yes, अभी अभी कहाँ जाएंगे हम, थ्रीओज पे जाएंगे। तो थ्रीओज से दो बनते हैं, जाइलोज और लाइजोज, ठीक है। थ्रीओज का स्ट्रक्चर क्या था, ऐसे था बिल्कुल एज इट इज का एज इट इज बनाओ, बस ऊपर कार्बन लगा दो। तो कार्बन लगा दिया हमने, ठीक है। जाइलोज क्या है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है तो मैं क्या लगा दूंगी, एच ओ एच। लाइजोज मेरे राइट हैंड साइड पे है तो मैं लगा दूंगी ओ एच ओ एच। बस आपको ये ध्यान रखना, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होना। लेफ्ट हैंड साइड है तो एच ओ एच, और अगर राइट हैंड साइड है तो बच्चे ओ एच ओ एच एच, ठीक है। चलो अभी हम बात करेंगे, राइबोज से भी दो बनेंगे, अरेबिनोज से भी दो बनेंगे, तो चार यहाँ बनने वाले हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में, और चार यहाँ से, तो टोटल कितने बन जाएंगे बच्चे बोलो, आठ बन जाएंगे। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वही फंडा, राइबोज का स्ट्रक्चर बनाओ, ये देखो ये राइबोज का स्ट्रक्चर, एक और कार्बन ऊपर लगा दो, ऐसे ही सब में लगा दो, कुछ नहीं करना। राइट हैंड साइड है देखो, एलोज मेरे राइट हैंड साइड है एच ओ एच, एल्ट्रोज मेरे लेफ्ट हैंड राइट, सॉरी आई एम सो सॉरी, एलोज मेरे लेफ्ट हैंड साइड है एच ओ एच, एल्ट्रोज मेरे राइट हैंड साइड पे है ओ एच एच। ऐसे देखो अरेबिनोज का बनाओ, ग्लूकोज मेरे क्या है लेफ्ट हैंड साइड है एच ओ एच, मेनोज मेरे राइट हैंड साइड है ओ एच एच। क्या सबको दिख पा रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे जाइलोज से क्या है, गुलोज और आइडोज, गुलोज मेरे लेफ्ट हैंड साइड है, आइडोज मेरे राइट हैंड साइड है। ऐसे ही लाइजोज से दो बने, गैलेक्टोज और टेलोज, गैलेक्टोज मेरे लेफ्ट हैंड साइड है एच ओ एच, और टेलोज मेरे राइट हैंड साइड है ओ एच एच। मुझे पता है अभी आपके ऊपर से जा रहा होगा, बट आपको ट्रिक बताऊंगी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज और मेनोज ध्यान रखना बच्चे, क्या है तुम्हारे वो है बताओ क्या है, सी टू एपीमर है, क्या है सी टू एपीमर। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा ग्लूकोज और मेनोज आपस में इनेंशियोमर है डाइस्टीरोमर है, सोच समझ के बताना। हाँ जी बता सकते हो क्या, हाँ जी इनेंशियोमर, बाकी क्या ये दोनों ग्लूकोज और मेनोज एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं क्या, पहले तो ये बता दो मेरे को। हाँ जी अनिकेत, मिरर इमेजेस हैं? नो मैम, नो मैम। पहला वाला कार्बन तो है इसकी मिरर इमेज, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा तो नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ तो नहीं है इसकी मिरर इमेज, तो ये कैसे हो गए, डाइस्टीरोमर नहीं हो गए बताओ। यस मैम, है ना, गलती नहीं करनी है क्योंकि दोनों डी डी है, ध्यान रखना डी डी वाले डाइस्टीरोमर है, सिर्फ डी और एल मैंने आपको बताए थे इनेंशियोमर है, ठीक है। चलो आगे आओ, ट्रिक याद करते हैं बच्चे इसका। देखो ट्रिक कैसे याद रखोगे, गेट रेक्सल, गेट रेक्सल। एक काम करती हूँ, इस ट्रिक को मैं ना आपको दोबारा बना के सिखाती हूँ, क्योंकि ये तो फिर देखो इधर, ये देखो गेट रेक्सल, जी जी से दो बनेंगे, बन गया गेट, बन गया रेक्सल, आर ए एक्सेल, ठीक है। ये क्या है, जी क्या था बच्चे, ग्लिसरल्डिहाइड है, लिख दूं क्या, ये क्या है ग्लिसरल्डिहाइड है, अगर तुमने नोट्स देखे होंगे तो उसमें ये ऑलरेडी था। रिथ्रियोज ये क्या है बच्चे, थ्रियोज, ठीक है। इससे फिर दो बने, इसका नाम क्या था, रेबिनोज, सॉरी रेबिनोज बोल रही हूँ, सॉरी राइबोज, राइबोज, और ये क्या था बच्चे, अरेबिनोज, ठीक है। ओके एक्स क्या था, जाइलोज, और ये क्या है, लाइजोज। अभी लग रहा होगा लेकिन आ जाएगा समझ में, टेंशन ना लो। राइबोज से फिर दो बनेंगे, देखो ना ट्रिक बताती हूँ, इससे भी दो, इससे भी दो, इससे भी दो। कैसी ट्रिक है, आग में गिरगिट, आग इधर देखो, आग में गिर गिट, जी आई
जीटी, पहले तो ये बताओ ट्रिक समझ में आई है कि नहीं आई। आग में गिरगिट, ठीक है बताओ ना। ए से क्या है एलोज और ये क्या है एल्ट्रोज, ठीक है। जी क्या है बच्चे ग्लूकोज और एम से क्या है मेनोज, ये क्या है। जी से गुलोज, गुलोज गुलोज और ये क्या है आइडोज, आइडोज ठीक है। और ये क्या है गैलेक्टोज, बस दो बार रिवाइज करोगे आ जाएगा। और ये क्या है टेलोज, ये देख लेती हूँ मैं अभी, मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया ना, हाँ ठीक है टेलोज है ठीक है। तो ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। सपोज मुझे, मान लो मुझे स्ट्रक्चर बनाना है बच्चे मेनोज का, मुझे स्ट्रक्चर बनाना है मेनोज का, तो कैसे लेके चलूंगी देखो ना। मेनोज से मैं ऐसे जाऊंगी, पहले मेरे को अरेबिनोज का चाहिए होगा, अरेबिनोज से भी पहले मुझे रिथ्रियोज का चाहिए होगा, रिथ्रियोज से भी पहले मुझे ग्लिसरल्डिहाइड का चाहिए होगा। तो क्या मैं बनाऊं, देखो यहाँ पे कैसे बनाती हूँ मैं। बस आपको अगर ये याद है ना, ट्री डायग्राम याद है ना, तो आप कर लोगे। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसका बनाऊंगी, किसका ग्लिसरल्डिहाइड का, वो आप आई थिंक आप सभी को याद है, याद है ना, बोल दो। यस मैम। तो देखो पहले इसका बनाते हैं हम, ये था ग्लिसरल्डिहाइड का, समझे, इतना बना के छोड़ दो। फिर आगे हम जाएंगे, क्योंकि हमें मेनोज चाहिए, तो हमारा थ्रियोज वाले रास्ते नहीं जाएंगे, हम रिथ्रियोज वाले रास्ते जाएंगे। तो रिथ्रियोज में क्या होता था, एक ऊपर कार्बन लगाते थे, अब लेफ्ट हैंड साइड है तो HOH, क्या इतना क्लियर? Yes, ma'am. इतना क्लियर। फिर हम कहाँ जाते थे, राइबोज और एबिनोज, लेकिन मेनोज तो एरोबिनोज वाले रास्ते में है, और एरोबिनोज क्या है रिथ्रियोज के राइट हैंड साइड पे, तो OHOH, सॉरी OHH, इतना क्लियर है, बताओ। फिर और चलो, स्पेस कम है, फिर क्या चलेंगे, ग्लूकोज और मेनोज, लेकिन मुझे तो मेनोज चाहिए और अरेबिनोज के राइट हैंड साइड पे मेनोज, तो मैं क्या कर दूंगी OH और H, बन गया मेनोज, यही तो होता है, कर लोगे बताओ। चलो ठीक है, दोबारा समझाऊं तो मुझे एक बार बता दो, मैं दोबारा समझा देती हूँ। अच्छा कौन कौन स्टूडेंट आ गए यहाँ पे, अनिकेत, अर्षिता, दिव्या, हिमा, स्तुति, महक, मनोज जी आ गए हैं, नितिका भी आ गई है, सायद, बच्चे जल्दी आया करो बेटा, साक्षी, साक्षी तो पहले ही आ गई थी, ठीक है मैम, बच्चे जल्दी आया करो, है ना। क्या रिपीट करूं बच्चे, थोड़ा बताओगे, सारी ट्रिक रिपीट करूं क्या, पहले क्यों नहीं बोलते हो, मेरा वेट करते हो कि मैम कब बोलेगी। हाँ बोलो, क्या रिपीट करूं संतोष। देखो ना, देखो ऐसे करना है आपको, ग्लिसरल्डिहाइड का तो तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। गेट रेक्सल, ई टी गेट रेक्सल, मानी ई से दो बनेंगे आर ए, थ्री ओ से दो बनेंगे एक्सल, ठीक है। उसके बाद आग में गिरगिट, राइबोस से दो ए ए जी आग, एम गिरगिट जी आई जी टी, बस खत्म। अब नाम तो मैं याद नहीं करवाऊंगी ना तुम्हें, वो तो तुम्हें खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। बताओ जल्दी मुझे चैट बॉक्स में थम्स अप दो, समझ में आ गया तो फिर हम आगे चलते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, हाँ इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे आएंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं तुमसे, कायरल कार्बन, एनोमर है, डाइस्टीरियोमर है ना, एपिमर है, इनेंशियोमर है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट आपका यही है, ग्लूकोज का, मेनोज का, गैलेक्टोज का, राइबोज का, ज्यादा नहीं पूछते, चले आगे। साक्षी बच्चे एपिमर, देखो मैंने अभी बताया, आप एक काम करना साक्षी, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी बच्चे, मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी करवा दिया है। अगर फर्स्ट वाले कार्बन में चेंज आ रहा है, मतलब सपोज जैसे ये देखो ना इधर, ये तो वैसे ओपन चेन बना हुआ है, जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हो तो अगर फर्स्ट वाले कार्बन की पोजीशन पे आपकी कॉन्फिगरेशन चेंज होती है तो आप उसको बोलते हो एनोमर, लेकिन C1 के अलावा किसी और कार्बन पे कॉन्फिगरेशन चेंज होती है तो आप बोलते हो एपिमर, ठीक है। जैसे ग्लूकोज, मैं फिर लिख देती हूँ अगर तुम्हें डाउट है तो, ये क्या है ग्लूकोज और मेनोज C2 एपिमर है, क्या है C2 एपिमर है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बच्चे C4 एपिमर है, क्लियर है, ऐसे आप किसी का भी देख के बता सकते हैं। चलो उसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने नेक्स्ट क्लास में बताया था आपको, मतलब सॉरी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये कहा था कि मुझे कुछ टेस्ट बताने हैं, है ना, टेस्ट बताने हैं, तो ये टेस्ट देखो क्या क्या है। तो देखो
सबसे पहला आता है बच्चे मोलिस टेस्ट, तो आई थिंक आपने किया भी होगा अपनी लैब में, किया है क्या मोलिस? नहीं किया, चलो कोई बात नहीं है। अभी ना आपके पास इमेजिन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। सपोज आप क्लास में बैठे हो, है ना, कितने बच्चे हो अभी? 15 बच्चों, है ना। मैंने 15 बच्चों को ना, 15 स्टूडेंट्स को सैंपल पकड़ा दिया। अभी आपको सैंपल में नहीं पता है कि उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या हो सकता है कोई एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो, आपको नहीं पता है कि मैम ने क्या दिया है। तो हम आप क्या करोगे ना, अलग अलग टेस्ट लगा के देखोगे कि उसमें क्या है। सपोज आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट लगाना है, मतलब आप ये जानना चाहते हो कि जो मैम ने सैंपल दिया उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए बच्चे वैसे तो 2-3 टेस्ट होते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया वाला टेस्ट होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मोलिस्ट टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? मोलिस्ट टेस्ट होता है, ठीक है। ये मोलिस्ट टेस्ट क्या होता है, आपकी लैब में पड़ा होता है मोलिस्ट रिएजेंट के नाम से। मोलिस्ट रिएजेंट के नाम आपको मिल भी जाएगा लैब में, देखना जाके। मोलिस्ट रिएजेंट बेसिकली वो किसका बना होता है, अल्फा नेप्थोल और इथेनॉल का मिक्सचर होता है, और अल्फा नेप्थोल का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। तो जब बच्चे आप कार्बोहाइड्रेट, आपके पास मान लो सैंपल है कार्बो, सब अभी हमें नहीं पता उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। आपने क्या किया, सैंपल को टेस्ट ट्यूब में डाला, थोड़ा सा उस पानी मिला के एक्वा सॉल्यूशन बना लिया उसका, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप मोलिस्ट रिएजेंट के डालोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी टेस्ट ट्यूब की साइड से आप कंसेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे। अगर तो आपके सैंपल में कार्बोहाइड्रेट हुआ तो आपके क्या होगा, सपोज ये आपकी वो है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हुआ तो ऐसे जो जंक्शन पे है ना, वॉयलेट कलर की रिंग बन जाएगी, पर्पल बोल दो, वॉयलेट कलर की रिंग बन जाएगी। तो अगर बनी बनी तो इट मींस आपका जो सैंपल है जो मैंने आपको दिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। जनरल नॉलेज के लिए ये ध्यान रखना, जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो तो फटाफट दे देते हैं मोलिस टेस्ट, उसमें आपको पता लग जाता है विद इन, जैसे ये रिएजेंट डालोगे आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। बट अगर डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड है तो ये मोलिस टेस्ट देता तो है लेकिन कुछ टाइम बाद देता है, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आता है एक टेस्ट आता है सेलिवनोज टेस्ट, क्या ना है इसका नाम, मैं इसकी स्पेलिंग बोल देती हूँ आपको, SELIWANOFFS, ठीक है, सेलिवनोज टेस्ट। ये बच्चे किसके लिए होता है, किटोज के लिए होता है। देखो अभी आपने ये तो देख लिया कि मैम ने जो हमें सैंपल दिया ना वो कार्बोहाइड्रेट है, बट अब आपको ये पहचानना है कि जो मैम ने दिया है वो एल्डोज है या किटोज है। एक बार ये भी तो चेक कर लेना कि जो हमारे सैंपल में एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। तो उसके लिए आप बच्चे कौन सा टेस्ट करते हो, पॉपुलर टेस्ट है सेलिवनोज टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या लेते हो आप, रिसोर्सिनोल लेते हो और HCl, बेसिकली इसका मिक्सचर होता है, जैसे सेलिवनो मोलिस रिएजेंट इसका होता है ना अल्फा नेप्थोल इथेनॉल का, ऐसे ही इसका होता है। तो जब आप उसको अपने सैंपल में डालोगे ना, अगर तो चेरी रेड कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं तो आप ये श्योर हो जाते हो कि मेरे पास जो मैम ने सैंपल दिया है उसमें कीटोन ग्रुप है, कीटो ग्रुप। अगर नहीं आता है तो इट मींस आपके सैंपल में कीटोन वाला ग्रुप प्रेजेंट, आपके जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। पहले बताओ इतना समझ में आ गया, बताओ इतना समझ में आ गया क्या? यस मैम। ये सेलिवनोज टेस्ट बच्चे किसके लिए है, फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोज, ठीक है। उसके बाद एक टेस्ट आता है बारफुट टेस्ट का, ठीक है। अभी आपने ये भी पता लगा लिया कि चलो कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन आपको अभी तक ये तो पता नहीं चला ना कि मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है, समझ रहे हो मेरी बात? अगर अभी तक आपको ये नहीं पता चला है मोनोसेक्राइड है डाइसेक्राइड है, तो इसके लिए क्या करते हैं आप, बारफोर्ड रिएजेंट होता है बेसिकली, वो किसका मिक्सचर होता है बच्चे, कॉपर सल्फेट और एसिटिक एसिड का मिक्सचर होता है। तो अगर आपके आपका कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है तो क्या करता है वो कॉपर 2+ को रिड्यूस कर देता है कॉपर ऑक्साइड में, जिसके जो पीपीटी होते हैं बच्चे वो रेड ब्राउन पीपीटी है। अगर ये आ जाते हैं आपके रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट तो इट मींस जो गिवन कार्बोहाइड्रेट है आपका वो क्या है, मोनोसेक्राइड है, ठीक है। अच्छा मोनोसेक्राइड तक भी ठीक है, बट आपको अब ये नहीं पता कि आपका रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो उसके लिए तो आपको पता ही है कौन से टेस्ट करते हो, फैलिंग सॉल्यूशन वाला करते हो या टोलिंस रिएजेंट करते हो या बेंडिक टेस्ट करते हो। वैसे आप लोग क्या करते हो, फैलिंग वाला करते हो या टोलिंस वाला, बेंडिक्ट वाला कम करते हो, ठीक है। बेंडिक्ट वाले में भी सिंपल है, कॉपर सल्फेट होता है उसका, बेंडिक्ट रिएजेंट के नाम से होता है, कॉपर सल्फेट और सोडियम सिट्रेट का मिक्सचर होता है। ये सोडियम सिट्रेट का बेसिकली मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, आपको लर्न नहीं करना है इसको,
ठीक है। तो बच्चे अगर आपके, ये देखो ये मैंने ट्रिक बता रखी है आपको, क्योंकि जो कलर आता है, मतलब जो कलर आता है वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ शुगर है उसमें। अगर सपोज आपके उसमें सैंपल में शुगर ही नहीं है, शुगर नहीं है तो इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, तो बेनेडिक्ट जो रिएजेंट होता है उसका कलर ब्लू होता है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है तो जब आप बेनेडिक्ट टेस्ट लगाओगे तो उसका कलर एज इट इज रह जाएगा, ब्लू रह जाएगा। बट अगर उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कम ही कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो ग्रीन कलर आता है उसका। अगर मॉडरेट शुगर है तो ऑरेंज कलर आता है, और अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में बच्चे शुगर प्रेजेंट है तो ब्रिक रेड आता है। जनरली क्या होता है, अगर आपके सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है ना, तो उसका ऑरेंज या ब्रिक रेड कलर आ जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे, बिल गेट्स एंड ओबामा। कैसे याद रखोगे इसको, बिल गेट्स एंड ओबामा। शुगर नहीं है बिल से ब्लू, स्मॉल शुगर है गेट से ग्रीन, मॉडरेट शुगर है ओ से ऑरेंज, और अगर लार्ज अमाउंट में शुगर है तो बच्चे ब्रिक रेड आ जाएगा। क्लियर है इतना, बोलो। यस मैम, यस मैम, पढ़ने से आ जाएगा, तुम टेंशन ना लो, बस एक दो बार रिवाइज करोगे हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था क्लास में, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं करा रही हूँ, है ना। एक आयोडीन टेस्ट भी होता है, ये तो हम सिक्स क्लास में भी करते हैं, याद है ना, पोटैटो में होता है स्ट्राच, आयोडीन टेस्ट करते थे हम, याद है, पोटैटो के ऊपर हम आयोडीन की ड्रॉप डालते थे तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाता था ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन। तो वही ये है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो ये वाले टेस्ट बच्चे बहुत बार एग्जाम में आए हुए, बारफोर टेस्ट, मतलब आपके कॉम्पिटिटिव में, बेंडिक्स टेस्ट हो गया, टोलिन स्वेलिंग हो गया, मोलिस टेस्ट हो गया, सेलिवनोस टेस्ट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है बच्चे, ये खत्म होता है कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम माय साइड। तो जो हम वेंसडे को मिलेंगे, अभी तो टाइम है, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है। तो हम जब वेंसडे को मिलेंगे, आपका अमीनो एसिड्स खत्म, और थर्सडे को आपका पूरा चैप्टर खत्म, जो आपका बचा हुआ पोर्शन है, न्यूक्लिक एसिड हो गया आपका, एंजाइम विटामिंस ये सब हो गया, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका सैटरडे वाला डे बचेगा उसमें देख लेंगे, जो आप कहोगे मैं वो आपको करा दूंगी। अगर आपको कुछ रिवाइज करना है तो वो मैं आपको करा दूंगी, अगर आपको इसके बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन करना है तो वो आपको करा दूंगी, वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, वो मुझे बता देना थर्सडे को, ठीक है, क्योंकि मैं थर्सडे को आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। अब क्वेश्चन करें क्या, जल्दी बताओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। हाँ जी, यस मैम, एक बार चैट बॉक्स में तो बताओ, बातें ही नहीं कर रहे हो आज, सारे चुप बैठे हो। आज है बेटा क्लास जीओसी की, उनकी सेकंड क्लास, चले चलो, सोच समझ के करना क्वेश्चन भाई, सोच समझ के करना। चलो आ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, क्या बोल रहे हो बेटा। मैम लिंक शेयर कर देना, ठीक है, मैं कर दूं, ठीक है, इस क्लास के बाद शेयर कर दूंगी। इधर आओ, इधर पढ़ो, हैंड रेज करना, आपको चैट बॉक्स में नहीं बोलना है, हैंड रेज करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, देख लो पहले क्या पूछा है, ट्रू नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है, ये पूछा गया है 2020 में, तो बताओ कौन सा सही नहीं है। लैक्टोज कंटेन अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4 ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर एंड गिव फैलिंग टेस्ट, lactose is a disaccharide and it contains hydroxyl group, on acidic hydrolysis lactose give one molecule of D-glucose and one molecule of D-galactose, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब basically आपको ये बताना है कौन सा सही नहीं है। हाँ जी बताओ, बता दो ना, बता दो बता दो, बताओ मैंने कहा हैंड रेज करना है, चैट बॉक्स में क्यों बोल रहे हो, बताओ कौन सा होगा सही, और सॉरी कौन सा सही नहीं होगा, नॉट ट्रू पूछा है ना, बताओ। इतना देर लग रही है, हाँ निकेत बोलो बोलो बोलो, अरे अपना माइक अनम्यूट करो ना, ए कैसे आएगा, ए कैसे सही नहीं है, नीतिका तुम बताओ। मैम फर्स्ट का डी पार्ट, ये क्यों, ये क्यों नहीं सही है, और फर्स्ट वाला क्यों नहीं सही है, क्या नाम है, अनिकेत,
बताओ बताओ। अरे बता दो, इतनी देर लगती है क्या? लैक्टोज का स्ट्रक्चर दिखाऊं क्या मैं तुम्हें? यहाँ पे आओ, आ गया लैक्टोज का स्ट्रक्चर, ये रहा, देखो ना क्या बन, क्या मिल रहा है इसमें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिल रहा है, तो ये तो ठीक है। C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, C1 ग्लैक्टोज की और C4 ये है, तो नीतिका ने जो डी बोला वो तो सही है, अनिकेत ने जो ए बोला वो तो सही है, तो तुम लोग क्यों बोल रहे हो? 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं क्या यहाँ पे? देखना एक बार कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। मैम हाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी ठीक है, तो गलत कौन सा बताओ? गलत कौन सा बताओ? फेलिंग मैम फैलिंग्स। किसने बोला है? हाँ संतोष ने बोला, बोलो। मैम सी है। सी है, सी सी बोला है क्या? कैसे? यस मैम। तुम लोग तुक्के मार रहे हो क्या सारे बच्चे? सी कैसे आएगा ये बताओ ना मुझे। सी चलो मान लिया, सी बिल्कुल ठीक बोला उसने, देखो कैसे आएगा सी। देखो इधर उसने बोला 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बच्चे, ये प्राइमरी अल्कोहल है पहली बात तो, ये इधर देखो ये अल्कोहल है, हाइड्रोक्सी ये वाले हैं, ये वाले देख पा रहे हो इधर? यस मैम। तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 छ, छ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ, तो कौन से वाला हो गया गलत? नॉट ट्रू, सी सी होगा, ये वाला तो ठीक है। लैक्टोज कंटेन अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन, एक सेकेंड, गलत हो गया, गलत हो गया। अनिकेत ने एक ही बोला था, बताओगे क्या मुझे? हाँ जी अनिकेत, एक ही बोला था तुम लोग, तुमने बताओ मुझे। अरे थोड़ा तो यूज कर लो ना, इधर देखो ना बीटा लिंकेज है ये, अल्फा थोड़ी ना है, ध्यान देना आपको लैक्टोज में। हाँ अनिक मैम उसने अल्फा ग्लूकोज नहीं, हाँ देखो ना उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जबकि ये क्या है? बीटा C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और ये अल्कोहल ग्रुप तो है लेकिन ये हाइड्रोक्सी में ही होगा, OH को हाइड्रोक्सी बोलते हो ना आप, ठीक है। जब मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने क्या बोला था? पेंटासिटेट बना रहा है वो, क्यों पेंटासिटेट बना रहा है वो? क्योंकि 5 OH ग्रुप है, ठीक है, तो 8 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है लेकिन इसमें बीटा C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जबकि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था? देखो आपको दे रखा है अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो लगाओ इस पे टिक मार्क, थोड़ा सोचा करो, ठीक है, थोड़ा खुद भी सोचा करो बच्चे की क्या बोल रही है मैम, क्या पता मैम से तो गलती नहीं हो रही है। आपके पास नोटबुक पेन नोटबुक लेके बैठे हो ना, स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए आपको लैक्टोज का, अभी तक आपको फट से बोलना चाहिए था मैम नहीं बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते ना कि अल्फा, ठीक है। अब सेकंड पे आओ, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन सुक्रोज बताओ, 9। ये तो अभी बताया मैंने 9 होता है, आगे आओ। व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज बताओ, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं माल्टोज के स्ट्रक्चर में? आ, 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 बताओ बताओ। बताओ थर्ड और फोर्थ, जब आप मुझसे मिलोगे वेंसडे को पूछूंगी मैं आपसे ये वाला थर्ड और फोर्थ करके आना, फोर्थ डिफरेंट है थोड़ा, मैं देखना चाहती हूँ कौन बच्चा इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाता है या नहीं कर पाता। और मैंने कीटल एसिटल और हेमी एसिटल के बारे में आपको बता दिया था, आपको आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। माल्टोज का स्ट्रक्चर देखो क्या बना रखा है आपने, ये अब मैं स्लाइड्स इसका मतलब बार बार अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज।
वो तो ठीक है, अल्फा ग्लूकोज और आपको दो अल्फा ग्लूकोज की यूनिट मिलती थी, ठीक है। आपको ये बताना है कि उसमें बेसिकली कितनी हेमिएसिटल यूनिट है, हेमिएसिटल है या एसिटल यूनिट है, आपको ये बताना है उसमें। ओके, ये वाला बताओ, द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये वाला बताओ। सुक्रोज क्या किया है इन्होंने, सुक्रोज में से क्या करवाई है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था उसका क्लीवेज करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो आपको ए और बी मिल रहा है। अगर आप सेलिमिनोज रिएजेंट से कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, बताओ। सुक्रोज से पहले ये बताओ मिलता क्या है, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस कराने से, ये बताओ जल्दी जल्दी बताओ बच्चे। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। हाँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है बेसिकली, है ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है। और ये सेलिविनोज टेस्ट किसके लिए होता है, कीटोज के लिए होता है, बताओ हाँ या ना। ओके, तो सेलिविनोज में क्या कलर आता था, अगर कीटो ग्रुप होता है तो चेरी रेड पीपीटी आता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे आएगा चेरी रेड पीपीटी, बिल्कुल आएगा, समझे इस क्वेश्चन को क्या पूछा है। वॉलेट कलर तो आएगा नहीं, ब्लू कलर भी नहीं आएगा, और ये बोल रहे हैं गिव्स नो कलर, नहीं, क्योंकि दोनों बन रहे हैं, अब दोनों का मिक्सचर बन रहा है। तो अगर आप सेलिविनोज टेस्ट डालते हो, अगर आप दोनों में करते हो, ग्लूकोज में भी करते हो और फ्रक्टोज में भी करते हो, तो आपको मिल जाएगा रेड पीपीटी आएगा, डिफरेंशिएट कर लोगे कि आपके पास कीटो ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, बोलो नेक्स्ट वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज, करो इसको करो। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ग्लूकोज के लिए, बताओ बेटा। डी ग्लूकोज, अच्छा ये बताओ ये वाली ठीक है क्या, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा, यस ग्लूकोज गिव्स यूएस फॉर एल्डिहाइड, यस मैम ठीक है, क्योंकि इन्होंने देखो मेंशन नहीं किया, ध्यान साइक्लिक में रखो। होता है ना। हाँ, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्साइम, द पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट, अच्छा ये डी वाला आएगा, सॉरी इसको डी करो ऐसे। द पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू गिव ऑक्साइम, बताओ बताओ। डी वाली सही नहीं, डी वाली तो सही है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने पढ़ा नहीं क्या जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था। सी होगा, हाँ सी गलत होगा। देखो ध्यान से सोचो, आपको क्या बोला, नॉट ट्रू पूछा है। पहले तो बच्चे ऑप्शंस है ना, ये पता लगाओ ये कौन से वाले ग्लूकोज की बात कर रहा है, ओपन चेन की बात कर रहा है या आपके साइक्लिक वाले फॉर्म की बात कर रहा है, थोड़ा तो यूज करो ना। साइक्लिक वाले की बात कर रहे हैं, ओपन वाले, देखो ना ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो साइक्लिक की बोल रहा है ना, साइक्लिक की तो ग्लूकोज एग्जिस्ट करते हैं अल्फा बीटा में, तो ये 200% ठीक है। ए वाला, ग्लूकोज गिव सिर्फ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, देता है क्या ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर देता है क्या, यस या मैम अगर वो चलो मैम मैं वो ओपन चेन, अगर मैं स्टेज ओपन, चैनल होता है और वो हाँ जी बोलो बोलो क्या बोल रहे हो, स्टेज चैनल वाला देता है इससे प्रेजेंट। हाँ, और सिर्फ टेस्ट नहीं देता, तो इसी से ही तो हमें पता चला कि एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, तभी तो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर तुम मान लो बी वाले को ठीक बोल देते तो ए वाला गलत हो जाता फिर। अब ये कह रहा है ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है ये तो ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करेगा ऑक्साइम, ये सी वाला गलत है, डी वाला भी ठीक है, यही तो बोलता है साइक्लिक स्ट्रक्चर से जो पेंटाएसीटेट तुम बना के आए हो वो रिएक्ट नहीं कर रहा हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो अगर अब तुम डी को ठीक कह रहे हो तो सी वाला गलत है फिर, ठीक है। तो डी वाला एकदम करेक्ट है, मैंने यही बताया था कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा, जो पेंटासिटेट तुमने बना रखा है, अगर आप उसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराओगे तो वो ऑक्साइम नहीं देगा, रीजन क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप तुम्हारे साइक्लिक स्ट्रक्चर में फ्री नहीं होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, सी वाला तुम्हारा बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो ये जो चारों पॉइंट बच्चे हैं ना वो सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर के हैं, ठीक है। इधर देखो ये इजी है, ये तो कर लो, टू मोनोमर इन डी माल्टोज आर, बताओ डी अल्फा डी डी है। ग्लूकोज अल्फा डी
यही करते हो तुम जल्दबाजी में। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है क्या माल्टोज में? इसमें माल्टोज में ही मिलता है पक्का? यस मैम, यस मैम, कॉन्सेंट हो? यस मैम, यस मैम, शाबाश, ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, अगर लैक्टोज होता तो क्या बोलते आप? बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज। ठीक है, ध्यान रखना, फ्रक्टोज में क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, माल्टोज में क्या होता है? अल्फा अल्फा मिलता है, और उसमें क्या मिलता है तुम्हारे लैक्टोज में? बीटा बीटा मिलता है। क्लियर है? चलो आगे, चलो इधर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपसे पूछे करेक्ट कौन सी है? करेक्ट सोच समझ के कर रहा है, मैं फिर बोल रही हूँ, जेई मेन के क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं। ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर, पहला तो ये है। ग्लूकोनिक एसिड इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट पूछा है? करेक्ट। ग्लूकोनिक एसिड इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3। बताओ कौन सा सही है? कौन सा वाला? बी बोल। डी मैम, डी, डी मैम, डी या सी? अरे क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, नहीं पढ़ के आए क्या? पेपर में आने वाला है कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा। सोच समझ के देखो, करेक्ट बताना है। सोच लो, आराम से सोच लो, जो बाकी बचेंगे घर के लिए दे दूंगी मैं। ठीक है, अभी करो इसको 10 मिनट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। हाँ बताओ, पहले तो ग्लूकोनिक एसिड का ना स्ट्रक्चर बनाओ नोटबुक पे। ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ अपने नोटबुक में, क्या होता है? बनाओ जी, बना लिया? यही होता है क्या जो मैंने बनाया नीचे येलो पेन से, येलो कलर से? हाँ यस मैम। अरे ग्लूकोनिक बोला है, ग्लूकारिक नहीं बोला है, तो यही तो होगा, सी ऑप्शन तो होगा, यही तो करेक्ट है। ग्लूकोज की जब आप रिएक्शन कराते हो ब्रोमीन वाटर से, विच इज योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर सिर्फ वो क्या करता है, CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है, प्राइमरी अल्कोहल को एज इट इज रहने देता है। बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है, सी वाला ठीक है। ठीक है, ना ही ग्लूकोनिक स्ट्रक्चर तुम्हारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते है। कहां से बनाओगे साइक्लिक स्ट्रक्चर बताना मुझे? ठीक है, ना ही डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक प्राइमरी अल्कोहल है, और ना ही ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं, ना ही ये कंसंट्रेटेड HNO3 से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अगर तुम कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन कराओगे तो आपको ग्लूकैरिक या आप बोल सकते हो सैक्रिक एसिड मिलता है। आगे आओ, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हैविंग आइडेंटिकल कॉन्फिग्रेशन इन ऑल द पोजिशन एक्सेप्ट पोजिशन, बताओ। ये तो ईजी है, ये तो कर दो। C4. वेरी गुड, आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोजन, बताओ। इनकरेक्ट बतानी है, NCERT की बुक खोलो अपना, तुम्हारे छोटा सा ग्लाइकोजन का टॉपिक दे रखा है, वहां पे पढ़ना आपको। आपको जहां पे माइलोज और माइलोपेक्टिन का खत्म होता है ना, बिल्कुल 3-4 लाइनें दे रखी हैं ग्लाइकोजन का, आपको वहां पे पढ़ना है। ठीक है, वहां पे जो जो पॉइंट्स हैं उसको कंसीडर करना, उसको हाईलाइट करना, देन आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि इसमें क्या आएगा। क्या वो स्ट्रेट चेन पॉलीमर है अमाइलोज की तरह? क्या उसमें सिर्फ अल्फा लिंकेजेस प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, या इट इज प्रेजेंट इन सम ईस्ट एंड फंजाई? ठीक है, ये डायरेक्ट आपका NCERT से आया हुआ है। ठीक है, आज ही ये वाला क्वेश्चन देखोगे जाके और हाईलाइट करोगे और इसका आंसर मार्क करोगे। आगे चलो, अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, कौन सा आएगा? फॉर ABCD अमाइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ, जल्दी बताओ, अल्फा ग्लूकोज, C1C4 एंड C166 लिंकेज, क्या ए ही आएगा इसका ऑप्शन? बताओ बताओ, बोला था ना मैंने C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ब्रांचिंग होती है 1 और 6 पे। आ गया, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट इन लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्टीरियो सेंटर मतलब, जल्दी बताओ स्टीरियो सेंटर मतलब बेटा? मैम 2n, अरे स्टीरियो सेंटर नॉट स्टीरियो आइसोमर बेटा, स्टीरियो सेंटर चिरल सेंटर बताना है। तो आपको पता है लीनियर में कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखो किसका पूछ रखा है, ग्लूकोज का 4 होते हैं, और साइक्लिक में कितने होते हैं? 5 होते हैं। मैं डी लगा दूं। आगे आओ,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सुक्रोज, सुक्रोज के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? क्या ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? जल्दी बोलो। अच्छा, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती है वो C1 of अल्फा ग्लूकोज एंड C1 of बीटा फ्रक्टोज मिलती है, ये गलत है। नो मैम, C1 C2 है ना, इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं इसको, और हाइड्रोलिसिस के बाद हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी मिलता है। तो सारी स्टेटमेंट सही है, आपको नो ट्रू बतानी थी, तो बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। आ गया माल्टोज, वही हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है माल्टोज का, बताओ। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज, डी ऑप्शन बताओ, हाँ या ना? Yes, कर पा रहे हो ना क्वेश्चन? ठीक है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, बताओ, ये भी बताया मैंने। देखो फिर आ गया ये क्वेश्चन, फ्रक्टोज और ग्लूकोज को कौन से टेस्ट से कर सकते हो डिस्टिंग्विश? बेंडिक्ट से, बारकोड से, वेरी गुड, सेलेविनोज टेस्ट से। ये फिर दे दिया क्या मैंने 15 वाला, चलो 16 पे आओ। ग्लूकोज ऑन प्रोलोंग्ड हीटिंग, प्रोलोंग्ड का मतलब क्या होता है, बहुत टाइम तक, बहुत देर से हीट किया गया एच आई के साथ, तो आपको क्या मिलता है? ये तो बिल्कुल ठीक है। लैक्टोज कंटेन बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये भी ठीक है। ठीक है क्या, बोलो। माल्टोज एंड लैक्टोज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सुक्रोज एंड अमाइलोज हैव 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये गलत है। अमाइलोज में 1,4 होती है, सुक्रोज में 1,2 होती है। क्या क्लियर हुआ ये वाला? yes, ma'am. चलो आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है इसमें से, आपसे ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बिहेव एज रिड्यूसिंग शुगर इन एक्वस KOH, KOH सॉल्यूशन में चारों में से कौन सा जो है बच्चे रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेगा? मैंने कहा था अगर ये जो हैमी एसिटल वाला ऑक्सीजन है, अगर इससे डायरेक्ट आपका OH ग्रुप लगा हुआ है तो आप क्या बोलोगे, वो रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं लगा हुआ डायरेक्ट, ना तो यहाँ लगा हुआ है, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, तो हम क्या लगाएं फिर? क्या कोई इसका आंसर नहीं होगा? नहीं होगा। देखो KOH में क्या होता है, आपने एस्टरीफिकेशन रिएक्शन पढ़ी है? जल्दी बताओ, पढ़ी है ना? yes, फिर से बता दे, तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, अगर आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराते हो बेसिक मीडियम में, सपोज KOH ले लेते हो, तो आपको एसिड मिलता है और अल्कोहल मिलता है, याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, OCOCH3, ये क्या है, एस्टर की यूनिट तो है, तो बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो आपको OCOCH3 से क्या मिल जाएगा बच्चे, बताओ, OH मिल जाएगा, हाँ या ना? Yes, ma'am, मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, अब आ गया OH, आ गया, अगर OH आ गया तो फिर रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी में कहीं नहीं है। यहाँ तो देखो एस्टर है ही नहीं, हटा दो, और ये क्या है, OCH3, एस्टर नहीं है, इथर है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, तो आ गया ये ऑप्शन। तो ध्यान रखना, जहां पे भी एस्टर होगा, अगर बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम दे रखा है, तो समझ जाना एस्टर की वहां पे हाइड्रोलिसिस होगी। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस बच्चे आपकी एसिडिक मीडियम में भी होती है और बेसिक मीडियम में भी होती है, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है जी? आगे चलूं, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो बच्चा, फिर मैं आगे कराती हूँ। चले? यस मैम, यस मैम। ठीक है, यहाँ पे आओ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बस, ये अच्छा याद रहता है, 33 क्वेश्चन है, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 5 मिनट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने, कर लोगे क्या? जल्दी बताओ, 19 का क्या आएगा ऑप्शन, जल्दी बताओ, 19 और 20, 21, जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में या हैंड रेज करके बताओ। हाँ जी, नहीं समझ में आया क्वेश्चन? हाँ जी, बी नहीं आएगा क्या? इनकरेक्ट पूछा है, डी आएगा, बीटा डी ग्लूकोज मैंने कहा था एनोमर्स होते हैं, एनचियोमर नहीं होते हैं। स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? सिर्फ ग्लूकोज की यूनिट मिलती है, याद है, बताओ ना। एक्यूमुलेशन, ये देखो, एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन मसल्स अगर्स एज ए रिजल्ट ऑफ विग्रेस एक्सरसाइज,
लैक्टिक या पायरोविक? पायरोविक पायरोविक ये आपका बायो में है क्या, मतलब बायोलॉजी में है क्या, ये पूछ रही हूँ बता दो। Yes, ma'am, अगर बायो में तो है ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पायरोविक एसिड आएगा, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने नहीं पढ़ा होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा पायरोविक एसिड आएगा। आगे देखो, नेचुरल ग्लूकोज इज टर्म्ड डी ग्लूकोज बिकॉज, बताओ नेचुरल, मैंने अभी बताया था ना आपको कार्बोहाइड्रेट्स आपके नेचुरली जो अकरिंग होते हैं वो डी वाले होते हैं, क्यों होते हैं बताना एक बारी। OH on the second carbon is on the right side in Fischer projection. बताओ क्या यही yes, सही ma'am. है? Yes, ma'am. Yes, sir. Which of the following statement is not correct? Not correct. लिख लिया करो जब भी पेपर में है ना नोट करेक्ट तो लिख लिया करो, नोट ट्रू पूछा है ताकि आप गलती ना करो। तो amylopectin is a branched polymer of alpha glucose. Cellulose is a linear polymer of beta glucose. Glycogen is the food reserve of plants. All proteins are polymers of alpha amino acids. ये protein वाला C आएगा? Very good. शाबाश. Animal किसमें होता है store? Glycogen. शाबाश. D वाला ठीक है. अभी वैसे मैंने D नहीं करवाया, मतलब amino acids नहीं पढ़ाया, लेकिन क्या बोलते हैं ये statement correct है कि जितने भी proteins होते हैं वो polymer होते हैं alpha amino acids के. यहाँ which of the following compounds can be detected by Mohs test? जल्दी बताओ. किसको करते हो आप मोलिस टेस्ट से डिटेक्ट? मैम शुगर. वेरी गुड. शुगर. अमाइलोपेक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, बताओ. यस सर. व्हिच वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? सुक्रोज. बायरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, देखो बायरेट टेस्ट ना उसके लिए होता है आपके प्रोटीन्स के लिए होता है, तो यूरिया आपका प्रोटीन है, पेप्टाइड भी आपकी प्रोटीन की चेन है और ये प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट बायरेट टेस्ट नहीं देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब वैसे तो मैं अमीनो एसिड में बताऊंगी ये वाली चीज, लेकिन ध्यान रखना है। उसके बाद है 30th, द टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन टिपिकल कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, बताओ कौन सा दो फंक्शनल ग्रुप है जो आपके कार्बोहाइड्रेट में होते हैं, टिपिकल, टिपिकल का मतलब है जो मोस्टली कॉमन कार्बोहाइड्रेट में मिलते हैं, एक तो OH होता है, सी होगा, ठीक है, ये नहीं होते एसिड वाले ग्रुप नहीं होते हैं टिपिकल कार्बोहाइड्रेट में। उसके बाद नेक्स्ट कीटोन और एल्डिहाइड होता है। हाँ, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर। शाबाश। द टर्म एनोमर सॉरी एनोमर बोल रही हूँ, द टर्म एनोमर ऑफ ग्लूकोज रेफर्स टू आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन कॉन्फिगरेशन एट कार्बन 1C1। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, ठीक है ना, सेलुलोज भी बिल्कुल कैसा है तुम्हारे अमाइलोज की तरह ही है, ठीक है, बस उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए आपकी बुक में नहीं दिखा रखा होता, तो वो डी ग्लूकोज से मिलता है बनके, डी ग्लूकोज की यूनिट को कनेक्ट कर दोगे तो सेलुलोज मिल जाएगा। देख लो हमने सारे कर लिए ग्लूकोज के, ठीक है। अच्छा एक बार आप स्ट्रक्चर बना कर दिखा दो इसका बेटा, सेलुलोज ये लो, यहाँ पे मैंने शायद बनाया भी होगा, कह रही है साक्षी मैम है, ये रहा बना रखा है बेटा, आई एम सॉरी मुझे लगा नहीं बनाया हुआ, बनाया हुआ ये देखो ये रहा, ठीक है, तो ग्लूकोज में भी है, हाँ एनसीईआरटी में भी है, आई थिंक ग्लाइकोजन का नहीं है, हाँ ग्लाइकोजन का नहीं है, सेलुलोज का है, ठीक है। तो सेलुलोज और अमाइलोज में बस यही डिफरेंस है कि अमाइलोज में आप अल्फा ग्लूकोज लेते हो और आप सेलुलोज में बीटा लेते हो, बाकी कोई और डिफरेंस नहीं है। क्लियर हो गया सबको? कार्बोहाइड्रेट खत्म। यस मैम। अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अमाइलोज।